लंबे समय बाद वृष राशि में गुरु और शुक्र की युति होने जा रही है। गुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की युति से कुछ राशियों का भाग्योदय होगा। यह युति मई के माह में बनने वाली है। ज्योतिष आचार्य ने लोकल 18 को बताया कि शुक्र ग्रह धन ऐश्वर्य वैभव कामुकता लग्जरी और भौतिक सुख के कारक हैं, तो वही गुरु ग्रह समृद्धि ज्ञान और गुरु और आध्यात्म के कारक है। इन दोनों ग्रहों की युति मई के महीने में बनने जा रही है। इस महीने में गुरु और शुक्र वृष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों के भाग्योदय होगा। गुरु और शुक्र की जो युति है वो मई के महीने में लगभग 19-20 मई के आसपास होने जा रही है और 12 साल बाद ही है युति जो है वृष राशि में होने जा रही है। शुक्र को धन ऐश्वर्य वैभव विलासिता का कारक माना गया है और गुरु को जो है ज्ञान समृद्धि और अध्यात्म का कारक माना गया है। तो वृष राशि में पहले गुरु प्रवेश करेंगे और गुरु प्रवेश करने के पश्चात शुक्र भी फिर अपना गोचर वृष राशि में करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार जब दोनों ग्रह का गोचर वृष राशि में होगा तो यह जो है गुरु शुक्र की युति बन जाएगी और ऐसा होने से कुछ राशियां जो हैं उन राशियों को बड़ा चमत्कारिक रूप से लाभ होगा और विशेष रूप से धन लाभ उनको होगा। तो जिन राशियों के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है या जिन राशियों को लाभ होता हमको दिखाई दे रहा है उन राशि के विषय में हम यहाँ चर्चा करते हैं। वृष राशि के लिए यह युति लग्न में होने जा रही है, जिसके कारण वृष राशि के जो जातक हैं उनको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, चमत्कारिक रूप से धन लाभ होगा और उनको उनके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही साथ जो वृष राशि के अविवाहित जातक हैं उनके विवाह शीघ्र होने की संभावना प्रारंभ हो जाएगी, उनका विवाह तय हो जाएगा, विवाह होने के उनके योग बनेंगे। दूसरी राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए यह युति धन भाव में बनने जा रही है, तो निश्चित ही उनको धन लाभ होगा, अचानक धन लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा और वह जो है वैभव पूर्ण जीवन को प्राप्त करेंगे। सिंह राशि के लिए यह युति जो है वह कर्म भाव पर बनने जा रही है, अर्थात वह जो भी कार्य करेंगे सिंह राशि के जातक उनको उन कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट की उनको प्राप्ति होगी, वेतन वृद्धि होगी और साथ ही साथ वह जो नया कार्य भी प्रारंभ करना चाहेंगे तो उस कार्य में उनको सफलता की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ यह जो युति है गुरु और शुक्र की, जैसा हमने कहा कि शुक्र का संबंध वैभव विलासिता ऐश्वर्य धन के साथ होता है, गुरु का संबंध जो है ज्ञान अध्यात्म समृद्धि से गुरु का संबंध होता है, तो निश्चित ही इन तीन राशि के जो जातक मीडिया से संबंधित हैं, पत्रकारिता से संबंधित हैं, लेखन का कार्य कर रहे हैं, फिल्मी लाइन से फिल्मी दुनिया से जो लोग जुड़े हुए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में इन तीन राशि के जो जातक इन समस्त क्षेत्रों से इन फील्ड से जो जातक जुड़े हैं वह उन सभी जातकों को उन इन तीन राशि के सभी लोगों को निश्चित ही विशेष लाभ सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस युति से होने जा रही है।